नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिवालिक जर्नल में और मैं आपके साथ मीनाक्षी तिवारी। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो अब दहशत गर्दों का काल बनेंगे। सीआरपीएफ के कमांडो बटालियन 4 रेजोल्यूट एक्शन इकाई के इन जाबाजों को जंगल वॉरफेयर का खास अनुभव हासिल है। कोबरा यूनिट ने नक्सल प्रभावी इलाकों में नक्सलियों की कमर तोड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है। अब इस यूनिट को कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगाया जाएगा। कोबरा कमांडो का पहला बैच जिसने जम्मू कश्मीर के जंगलों में लड़ने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उसे कुपवाड़ा में तैनात किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न चरणों में कोबरा कमांडो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कोबरा के बारे में कहा जाता है कि ये कमांडो यूएस मरीन कमांडो फोर्स को टक्कर देते हैं। 6 माह पहले कोबरा यूनिट को जम्मू कश्मीर में भेजा गया था। कमांडो की ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सीआरपीएफ तैनात है। वहां पर आतंकियों के खिलाफ विभिन्न ऑपरेशन में सेना के राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी रहती है। इस बल की क्यूएटी यानी क्विक एक्शन टीम ने आतंकरोधी अभियानों में खुद को साबित कर दिखाया है। सीआरपीएफ कमांडो बहादुरी के कई कारनामों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कोबरा यूनिट का गठन यूएस मरीन कमांडो फोर्स की तर्ज पर हुआ था। अब ये कमांडो बहादुरी के कई कारनामों में यूएस मरीन कमांडो से आगे निकल चुके हैं। साल 2015 में गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राष्ट्र के सामने आए थे। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मरीन कमांडो उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल और सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई तरह के ऑपरेशन की जानकारी ली गई। इन सब के बाद कोबरा यूनिट स्थापित हुई थी। ये विशिष्ट कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के 11 दिन तक लड़ सकती है और इसी वजह से कोबरा विश्व में पहले स्थान पर है। नक्सलियों, आतंकियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशन के लिए इस विशिष्ट फोर्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। हथियार, वर्दी एवं तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा दूसरी सभी बलों से अलग है। बिना किसी मदद के लगातार 1.5 सप्ताह तक जंगलों में लड़ते रहना इस फोर्स की खासियत है। वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा सरगना लादेन को मार गिराने वाले यूएस मरीन कमांडो बिना किसी मदद के जंगल में लगातार 3 रातों तक लड़ सकते हैं। दूसरी ओर कोबरा के हर जवानों के लिए ट्रेनिंग के दौरान 7 दिन तक जंगल में लड़ने की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोबरा ने झारखंड में घने जंगलों में 11 दिन तक बिना किसी सहायता के एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया था। वजन लेकर जंगलों में नियमित रूप से लड़ते रहने का रिकॉर्ड ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो दस्ते SAS के नाम पर है। ये दस्ता 30 किलो का वजन उठाकर 10 रातें जंगलों में गुजार सकता है, जबकि कोबरा 23 किलो वजन के साथ 11 रातों तक गहन जंगल से गुजरने के सामर्थ्य है। कोबरा को बाहर से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए इन्हें खास प्रशिक्षण दिया जाता है। मैगी जैसी कोई खाद्य सामग्री इन्हें प्रदान की जाती है। पानी की बोतल को झरने या तालाब में भरना पड़ता है। खाने का सामान खत्म हो जाता है तो जंगली सामग्री से काम चलाना पड़ता है। जवानों को ट्रेनिंग से कई जंगली वनस्पतियों की जानकारी भी दी जाती है। कोबरा कमांडो को अपने जूते, वर्दी 1 मिनट के लिए भी नहीं उतारने दिया जाता है। लेकिन वो क्या है जो कोबरा कमांडो को इतना खूंखार बनाता है? पहला है, यूएस मरीन कमांडो की तर्ज पर कोबरा को मरीन पैटर्न वर्दी मिलती है। इसमें सभी तकनीकी उपकरण लगे होते हैं। कोबरा कमांडो को यूएस आर्मी जैसा पर्सनल आर्म्ड सिस्टम ग्राउंड ट्रूप हेलमेट मिलता है। यूएस के M1 हेलमेट के अलावा जर्मन आर्मी को स्टे हेलम हेलमेट भी कोबरा की शान है। इजराइल निर्मित MTARN X95 राइफल खुखरी की तर्ज पर कोबरा कमांडो मैशे चाकू से लेस है। GPS के अलावा रात को दिखने में मदद करने वाला चश्मा, ये सभी आधुनिक हथियार एक कोबरा कमांडो को जंगल में दुश्मनों के लिए काल बना देता है। हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अपना पैटर्न बदला, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोबरा कमांडो अब तैयार है। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।